ईएनबीए अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो क्या बात करेगा, अभी अगर राज साहब ने मुझे बोला नहीं होता ना कुछ बोलने का नहीं जी, तो उसको मैं बोलता फिर नहीं ना। मेरे तो को बोल रहा ना कि हम अयोध्या आएंगे जी, मैं अरे तो... राज साहब का बाल विवाह का हो गए ना जी, तो जितने भी यूपी बिहार है उसको क्या हो जाएगा इधर मालूम नहीं उसको। साहिबान धमकी दे तो अयोध्या येणार नहीं बोले, अयोध्या नहीं आने का बोले, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि ये ऐसा बात कर रहा, गलत बात रख सकते, क्यों नहीं रखेगा उनके के उनके बाप की थोड़ी अयोध्या। मैंने उसको बोला ना, तो ना। वो फोन नहीं उठा रहा, बाकी उनको बोलता हूँ तेरा बाप की औकात देगी तो तू अयोध्या नहीं आने देगा हमारे को। जब तुम्हारी औकात ऐसी थी तब तुम लोग जब बम्बई में आते थे, बम्बई में बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करते थे और उनके साथ में बर्ताव करते थे, और सरेआम किसी को ट्रेन में चढ़ते तो गाली गलौज दिया जाते थे। ऐसे मेरे को न्यूज पर लेकर आओ, मैं बताता हूँ उनको सारण। सुन लिया आपने, ये हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो राज ठाकरे के अयोध्या जाने के विरोध में दिए गए ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादित बयान को लेकर आपस में बात कर रहे हैं। सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, धमका रहे हैं कि अगर राज ठाकरे के विरोध में कुछ हुआ तो मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल आज से महज कुछ दिन पहले MNS की ओर से ये कहा गया था कि राज ठाकरे अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे। इस बात की जानकारी जैसे ही अयोध्या के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लगी, उन्होंने राज ठाकरे को धमकाने के लहजे में ये कह दिया कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे उत्तर प्रदेश प्रवेश करने और अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, वरना उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। ब्रजभूषण सिंह के इस बयान के बाद यूपी सहित महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल मच गया, जिसके बाद पुणे से MNS नेता वसंत मोरे और UP MNS के नेता कृष्णवीर गुर्जर के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में यह साफ सुना जा सकता है कि MNS नेता वसंत मोरे ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने उन्हें रोक रखा है, वरना अभी तक वो सबक सिखा दिए होते। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे के साथ अयोध्या में कुछ हुआ तो इसका परिणाम महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। चलिए पहले आपको सुनाते हैं पूरे ऑडियो में आखिर क्या बातचीत हुई। जी नमस्कार, नमस्ते, मैं कृष्णवीर गुजर बोल रहा हूँ, आपका भाई। बोलिए बोलिए, नमस्ते। मैं अभी आपके लिए, मैंने अपने राजेश ठाकरे जी के लिए मैंने बात की, योगी जी के उसके PA से तो मैंने बात की थी, हमारे राजेश ठाकरे जी को खुलेआम धमकियां दे रहा है ये सारण भूषण, तो बोला कि हम कल तक इनके बारे में फुल कार्रवाई लगाएंगे इनके ऊपर, और ये राजेश ठाकरे जी को हाथ नहीं लगा पाएगा। अभी क्या हाथ लगाएंगे वो, अभी अभी मैंने इधर हमको अभी, साहब ने बोला है, अभी मैंने बोलने के नहीं मैंने अभी अभी मैं लगेज तेले में फोन करूं टाकला है, लगेज में भी विचारू टाकल मैं साहिबान लगेज, त्याने योगी साहब अजय चीफ मिनिस्टर साहब सोबत रहतो, त्यांचे मी बोलले के बहू आस आमचे साहिबान धमकी देतो अयोध्या येणार नाही बोले, अयोध्या नाही आने का बोले, ऐसा नाही करेंगे। तो मैंने बोला कि ये ऐसा बात कर रहा, गलत बात रख सकते, क्यों नहीं रखेगा उनके के उनके बाप की थोड़ी अयोध्या। मैंने उसको बोला ना, तो ना। वो फोन नहीं उठा रहा, बाकी उनको बोलता हूँ तेरा बाप की औकात देगी तू अयोध्या नहीं आने देगा हमारे को। कौन है तू, हमारे मराठे भाइयों को तुम लोग रोकोगे? जब तुम्हारी औकात ऐसी थी तब तुम लोग जब बम्बई में आते थे, बम्बई में बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करते थे और उनके साथ में बर्ताव करते थे, और सरेआम किसी को ट्रेन में चढ़ते तो गाली गलौज दिया जाते थे। ऐसे मेरे को न्यूज पर लेकर आओ, मैं बताता हूँ उनको सारण। अरे वो क्या बात करेगा, अभी अगर राज साहब ने मुझे बोला नहीं होता ना कुछ बोलने का नहीं जी, तो उसको मैं बोलता फिर नहीं ना। अगर तू मेरे तो को बोल अभी... रहा ना कि हम अयोध्या आएंगे जी, मैं अरे तो... राज साहब का बाल विवाह का हो गए ना जी, तो जितने भी यूपी बिहार है उसको क्या हो जाएगा इधर मालूम नहीं उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आगे तैयार रहूंगा राज साहब के लिए, मैं बिल्कुल आगे तैयार रहूंगा। ऐसे बड़वे को मैं 5 जून के दिन मैं खुद बताऊंगा उनको कि तेरी अयोध्या में कितनी पहचान है और हम लोगों की कितनी पहचान, तेरे को बताएंगे हम योगी जी के साथ में खड़े हैं, और तुम कह रहा है कि तू BJP कार्यकर्ता होकर तू ही हिंदू के साथ में बर्ताव कर रहा है, और तू कह रहा है कि अयोध्या में पैर नहीं लगे। जब तेरे इतने भी तेरे आदमी लोग ये जब ये कर रहे थे मारामारी क्यों करते थे, तुम्हारी आदत ही खराब है ना, तुम लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले तुम गाली गलौज देते थे, हैं? मेरे सामने खुद हो गई ना मालिक, मैं 3-4 बार इन लोगों को देखा हूं,
तीन चार बार ये लोग भड़वेगिरी ये ऑलरेडी करते हैं, और मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, ये फोन करके भी गाली धमकी देते हैं। अरे उसको मतलब पता चल गया कि मैं अभी क्या क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे साहब ने रोका था किसी को कुछ भी बोलने का नहीं। हाँ ये तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देता मैं। नहीं मैं कसम से मैं आपकी जैसे अगर वो टीवी पे ऊपर होता तो मैं इसको मिसको बोलता तेरी औकात क्या है भाई, तू किसको धमकी दे रहा, ये तू है ना ये टीवी की ये टीवी ये सब चिल्लर विलर रख दिया हमने, तू मेरे को क्या बोला, हमारे साहब को क्या बोला है कि तुम्हारे लिए राज साहब हो गए हमारे लिए क्या तु, मतलब तू कहना क्या चाहता है, तो हमारे राज साहब कभी कभी धमकी दे रहा है। मैं उनकी धमकी से नहीं डरने वाला हूँ बहू, मैं क्या बोलता हूँ वसंत बहू, मी तेंचे धमकी से मैं डरतो नहीं, मी बाला साहेब तो कून माणूस है, मी तेंची वाट लावू शकता, आता मी योगी साहेबाने मी ते पी आहे त्यांची योगी मैं त्याला फोन करून टाकलाय, मी की साहेब हमारे आदमी को मैं हमारे साहब को वो क्या कह रहा है कि 5 जून को अयोध्या नहीं आने देंगे, कौन है इनकी हिम्मत कौन है वो, मतलब आपके उत्तर प्रदेश के लोग अगर बम्बई में आके काम करेगा, बम्बई में आकर बम्बई लोगों को धमकी देंगे, हम उत्तर प्रदेश में आके आपको धमकी देंगे कैसा लगेगा। मैं वही बोला ना उनको, तो बोला ठीक है सर मैं हम पता करके आपको कल तक बताएंगे, मैं क्या बताने की बात नहीं, उनको बोल दो बृजभूषण तेरे ख्याल में रहे और तेरी औकात में रहे, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मैं बिल्कुल। मेरे को बोल रहा जी योगी जी का कुछ संबंध नहीं, ये मेरा वैयक्तिक मामला है, मैं खुद इनको हानि नहीं दूंगा। ये मैंने ये उनको ये अभी भी बता रहा हूँ कि योगी जी का समर्थक मतलब योगी जी का नहीं है तो किसका नहीं है। बता दें कि जब से ये बात शुरू हुई है कि मनसे प्रमुख यूपी के अयोध्या आएंगे, उसी समय से बृजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे पर हमलावर हो गए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने इसको लेकर पोस्टर भी लगवाए हैं जिसमें लिखा है उत्तर भारतीयों को अपराधी कहने वाले राज ठाकरे माफी मांगे या फिर वापस जाओ। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया कि राम मंदिर आंदोलन में ठाकरे परिवार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने योगी से निवेदन किया है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगते तब तक योगी को भी उनसे नहीं मिलना चाहिए। देखिए मैंने एक दिन मैं इधर थोड़ा समय कम मिलता है लेकिन एक दिन मैंने देखा कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और ये देखा कि मुख्यमंत्री से वो मिलेंगे तो मेरे मन को बड़ा क्षोभ हुआ और मैं कई दिन से सोच विचार कर रहा था तो आज मैंने उसको ट्वीट किया कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी ना मांगे तब तक उनको अयोध्या नहीं आना चाहिए और आएंगे तो मैं उनको घुसने नहीं दूंगा अयोध्या में, पहले वो माफ़ी मांगे। और मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी को मतलब मैं सलाह देने की हैसियत में तो नहीं हूँ लेकिन जनभावना को देखते हुए मैंने निवेदन किया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से, केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, तब तक योगी जी को नहीं मिलना चाहिए। सर ये जो आप बयान दे रहे हैं ये आपकी अपनी तरफ से है? ये मेरा अपना है और मेरा अपना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं ये बताऊं आपको कि ये मेरा अपना है और ये जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं या रोक नहीं पाया ये आज का नहीं है, ये 2008 से देख रहा हूं, 2008 से देख रहा हूं। मराठी मानुष का मुद्दा ही इन्होंने पैदा किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुंबई में 80% योगदान, मुंबई के विकास में 80% योगदान मुंबई के अलावा अन्य लोगों का है। आज मुंबई के लोग छोड़ दें तो क्या होगा? तो ऐसा तो उनको उन्होंने गलती किया ना, हमने हम गलती नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको गलती सुधारने की बात कर रहे हैं कि वो गलती सुधारें। बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी MNS की नींव ही उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगल कर रखा गया था। अक्सर MNS के कार्यकर्ता मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रवासी मजदूरों को पीटते हुए दिखाई देते थे लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदुत्व वाली छवि को डेंट करने के लिए MNS ने अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया है और यही कारण है कि महाराष्ट्र के आगामी चुनावों को देखते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे रामलला के दर्शन के साथ महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।